बच्चों आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, तो सरफेस केमिस्ट्री में बेसिकली तीन छोटे छोटे पार्ट्स हैं, दो छोटे नहीं तो बहुत बड़ा है। प्योर थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें एक एडसॉर्प्शन पढ़ना है विच इज स्मॉल वन, कैटलिस्ट पढ़ना है अगेन स्मॉल वन, लास्ट ईयर के कोर्स से हटा दिया गया था, एंड वन इज मेन चैप्टर का टॉपिक होगा कोलोइड। तो तीन पार्ट्स में चैप्टर है। पहला पार्ट है इसमें एडसॉर्प्शन, व्हाट इज एडसॉर्प्शन। ठीक है, एडसॉर्प्शन किसे कहते हैं बेटा? दो अलग अलग वर्ड है, वन इज एब्सॉर्प्शन जिसमें बी आ रहा है एब्सॉर्प्शन, और एक है एडसॉर्प्शन, ये दो अलग अलग वर्ड है। ठीक है, तो यहां जिसमें बी आ रहा है एब्सॉर्ब, इसका बेसिकली वर्ड बी से आ रहा है इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर तक चला गया, दैट इज एब्सॉर्प्शन। और जब सरफेस पे चीजें रुकी रहेंगी दैट इज एडसॉर्प्शन। मतलब आपने पानी भी लिया है, पानी रखकर किसी सरफेस पे स्पंज डाल दी, स्पंज डालते ही स्पंज के अंदर पानी चला, तो हमने कहा कि स्पंज उसके अंदर और उसके बाहर, मतलब अंदर और बाहर दोनों जगह सेम लेवल है, यानी जो कंसंट्रेशन है वो अंदर और बाहर एक जैसी आ रही है। और यही अगर हमने कोई चौक ली होती या कोई ऐसा सब्सटेंस लेते जिसके खाली सरफेस पे वाटर रुक जाता है, जैसे सिलिका जेल होता है या और चीजें होती हैं, एल्यूमिना जेल होता है, उसको कहीं डालते हैं तो उस जेल के सरफेस पे तो वाटर आ जाता है, वो सरफेस वाली एक लेयर में तो वाटर दिखेगा, अंदर नहीं जाएगा। तो जब ऊपर आएगा और अंदर नहीं आएगा तो ये वाला फिनोमिना एडसॉर्प्शन है। ठीक है, जहां सरफेस फिनोमिना दिखे, सरफेस फिनोमिना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दिखेगा आपको बल्क फिनोमिना। व्हाट इज एब्सॉर्प्शन, चीजें वर्ड बना रखा है, अगर हम एड वर्ड का यूज कर रहे हैं तो वर्ड बने हुए हैं एडसॉर्बेंट एडसॉर्बेट, इसके हिसाब से वर्ड बने हैं एडसॉर्बेंट, और एक वर्ड बना है एडसॉर्बेट, तो नाम से क्लियर हो गया होगा शायद आपको। ये अगर मेरे पास सिलिका जेल और इस सिलिका जेल के ऊपर सरफेस पे यहां पे आ गया है वाटर, मॉइस्चर या और कोई चीज, तो ये जो बॉडी थी ये कहलाती है एड्सॉर्बेंट, और ये जो ऊपर ऊपर आके रुक गया है, टिक गया है, ये कहलाता है एड्सॉर्बेट, यानी एड्सॉर्बेट की कंसेंट्रेशन एड्सॉर्बेंट के बल्क और सरफेस में अलग अलग। बल्क कहने का मतलब इनसाइड द बॉडी, सरफेस कहने का मतलब ऊपर। तो बल्क और सरफेस में अगर कंसंट्रेशन अलग अलग है तो जो प्रोसेस कहलाएगा दैट इज एडसॉर्प्शन, और अंदर और बाहर अगर कंसंट्रेशन एक जैसी है तो ये प्रोसेस कहलाता है एब्सॉर्प्शन। और इंपॉर्टेंट है एड्सॉर्प्शन के कई जगह यूज है, पहले अगर दूसरा यूज दिमाग में होना तो चैप्टर पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल शुगर केन जूस, गन्ने का जो जूस होता है वो डर्टी ग्रेश कलर का होता है और उससे गुड़ बनता है या चीनी बनती है, दैट इज डिफरेंट कलर, चीनी क्रिस्टल क्लियर व्हाइट कलर की होती है और जो जूस था वो तो ग्रे था, तो कुछ ना कुछ तो ऐसे ही इसमें ऐड किया जिसने कलरिंग सब्सटेंस को निकाल दिया, तो वो चीजें जो इसमें डाली जाती है केमिकल्स जो कलरिंग सब्सटेंस को खींच लेती है, वो जो ओवरऑल प्रोसेस है वो एडसॉर्प्शन के थ्रू होता है। यानी सपोज चारकोल डाला गया तो भी चारकोल में भी यही चीज होती है, चारकोल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और चारकोल एड्सॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो चारकोल ने कलरिंग सब्सटेंस को अपने सरफेस पे एड्सॉर्ब कर, इसलिए वहां से कलर आया। या आपने मास्क देखे होंगे जो कोल माइंस में लोग जाते हैं, वो ऑलमोस्ट ट्रंक जैसे मतलब एक बहुत बड़ी सूंड जैसे उनके मास्क होते हैं, तो उनके मास्क में क्या होता है, एक ऑर्डिनरी कोविड मास्क की बात नहीं कर रहा हूं मैं, N95, तो उनके मास्क के अंदर जो कोल माइंस में जा रहे हैं स्पेशली, तो उसके मास्क के अंदर CuCl2 या और ऐसे केमिकल डालेगा। क्यों? क्योंकि कोल माइंस के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अगर इनहेल कर लेंगे
डेथ इज पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है और वो ऑक्सीजन से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है लेकिन पॉइजनस है, तो डेथ हो जाएगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अदर गैसेस को रोकने के लिए वो जो मास्क पहन के जानते हैं, जिसे ट्रंक मास्क में कह रहा हूँ, उस आगे की स्क्रीन में, वो इतने ज्यादा केमिकल्स होते हैं कि जो एयर फिल्टर होकर उनकी बॉडी के अंदर जाएगी वो बेसिकली फ्री फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अदर पॉइजनस गैसेस। और ये जो प्रोसेस हो रहा है इट इज ऑल्सो थ्रू एडसॉर्प्शन। अगर हम केमिस्ट्री में लास्ट ईयर अगर आपने पढ़ा है 11th में टैक्स क्रोमेटोग्राफी, तो क्रोमेटोग्राफी में अगर आपको याद हो तो वहां पे एल्यूमिना या सिलिका जेल लगाते थे क्रोमेटोग्राफी में और सॉल्वेंट को रन कराते थे, यानी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से हम पता करते थे कि हमारे पास जो गिवन सब्सटेंस है वो प्योर है या मिक्सचर है। जैसे लीव्स है, लीव में क्लोरोफिल ए बी सी के भी अभी होते हैं, तो लीव को एक्सट्रैक्ट को डाला और फिर थ्रू एडसॉर्प्शन टेक्निक हम उसको सेपरेट करते थे, नहीं भाई, या पता लगा करते कि इसमें क्लोरोफिल ए और बी दो अलग चीजें हैं, ये एक ही चीज नहीं है। तो क्रोमेटोग्राफी इज आल्सो बेस्ड ऑन एडसॉर्प्शन। आई मीन टू से एडसॉर्प्शन हैज, ठीक है, ओके, एडसॉर्प्शन हैज अ लॉट ऑफ यूजेस। ठीक है, एक अच्छे ने भी कहा है ये बैकग्राउंड नहीं समझ में आ रही, तो ठीक है, आई होप सो बेटा अब क्लियर होगा। ठीक है, ठीक, तो बेसिकली द वर्ड एब्जॉर्प्शन स्टैंड्स फॉर दिस। तो अभी तक की पढ़ाई में क्या समझना था, क्या दिमाग में आना था कि जैसे पेपर है, यूजुअली हम यूजुअली घर पर करते हैं, पेपर क्लॉथ है, तो हम करते हैं इसमें पानी गिर गया क्लॉथ रख देते हैं और क्लॉथ से साफ करते हैं, यूजुअली क्लॉथ मॉइस्चर या वाटर ले जाते हैं अपने साथ, तो वो एब्जॉर्प्शन है, पूरा क्लॉथ के अंदर पानी भर, सिंपल भाषा में कह रहा हूँ पोछा लगा के, तो वो पानी पोछे के अंदर चले जाते हैं, तो दैट इज एब्जॉर्प्शन। ठीक है, और आपने जो नए गैजेट्स कभी खरीदे हो, मोबाइल खरीदा और टीवी खरीदा और व्हाटएवर इज, तो उसमें आप देखोगे छोटे छोटे पाउच पड़े हुए रहते हैं, उसमें कैल्शियम क्लोराइड या और कुछ सब्सटेंस लिखा हो सकता है। ठीक है, आपको सिंपल केमिकल्स भी और होंगे, लेकिन मैं आइडियल केमिकल जो हमारी बुक्स में वो बोल रहा हूँ, CaCl2, ZnCl2, CaO, क्विक लाइम, तो ऐसे वाली चीजें जो होती है या एल्यूमिना जेल, ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं। तो बेसिकली अगर ये उन गैजेट्स के साथ है और बाई चांस वहां मॉइस्चर आता भी है इतनी टाइट पैकिंग के बाद भी, तो वो मॉइस्चर पहले अटैक करेगा या एडसॉर्ब हो जाएगा इनके साथ। तो बेसिकली इसका मतलब एडसॉर्प्शन। और हमारी बॉडी में भी जो फूड जाके डाइजेस्ट होता है उसके बाद हम कहते हैं एडसॉर्प्शन हो जाता है उसका, यानी वहां एब्जॉर्ब और एडसॉर्ब वर्ड यूज होते हैं। कुछ केसेस में हम इन दोनों में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, जहां बहुत थिन सरफेस है वहां या और कई जगह जहां एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, या ये कहें कि पहले वहां एडसॉर्प्शन होता है बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम दिखता है एडसॉर्प्शन चेंजेस टू एब्जॉर्प्शन, मतलब पहले खाली सरफेस पे ही रहा और कुछ टाइम के बाद देखा भाई सरफेस के बाद अंदर भी मूव कर गया। तो ऐसी जगह जहां दोनों चीजें हो जाए, जहां दोनों में डिस्टिंग्विश ना कर पाए, तो वहां के लिए सिर्फ और सिर्फ वर्ड यूज किया जाता है एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब हुआ कि एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों साथ में चल रहे हैं, ये कह लीजिए, या ये कह लीजिए कि हम इन दोनों में डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे, पहले एडसॉर्प्शन हुआ फिर एब्जॉर्प्शन हो गया प्रोलॉन्ग सिचुएशन में, तो वर्ड यूज करते हैं एब्जॉर्प्शन। इसी में एक वर्ड आ जाता है ऑक्लूजन, एब्जॉर्प्शन जैसा ही एक वर्ड है ऑक्लूजन। आई होप सो शायद आपने ऑक्लूडेड हाइड्रोजन पढ़ी हो, या आपको पता हो कि हाइड्रोजन को अगर एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करना हो, बिकॉज इट इज हाईली कम्बस्टाइल गैस, तो ऐसे नहीं मिल सकते एक्सप्लोसिव नेचर की वजह से, तो प्लेटिनम वायर के ऊपर हाइड्रोजन को एडसॉर्ब कराते हैं, फिर प्लेटिनम वायर या प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स या दिस वन मेटल्स पे एडसॉर्ब होते हैं। तो हाइड्रोजन ऑन निकल, हाइड्रोजन ऑन प्लेटिनम, ये भी एक एडसॉर्प्शन का एग्जाम्पल हो गया, और वो वाली हाइड्रोजन कहलाती है ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन ऑन मेटल सरफेस के फिनोमेना को एक स्पेशल नाम दे दिया गया है एडसॉर्प्शन की जगह ऑक्लूजन, और वहां इसको ऑक्लूडेड हाइड्रोजन, ऑक्लूडेड गैसेस कहते हैं। ठीक है, और एक वर्ड आ गया डीजॉर्प्शन। ठीक है, तो डीजॉर्प्शन क्या है, नाम से क्लियर है, डी का मतलब निकलना,
अगर कोई चीज एड्सॉर्ब थी और उस एड्सॉर्ब चीज को अब हम फिल करना चाहते हैं, दोबारा रिन्यू करना चाहते हैं उस चीज को, तो दैट इज नोन एज बीज ऑप्शन। मतलब आपने चारकोल लिया और चारकोल ने कार्बन सब्सटेंस एड्सॉर्ब करा दी, अब आप इस चारकोल को दोबारा तो यूज नहीं कर पाओगे, लेकिन दोबारा यूज करने के कार्बन सब्सटेंस हटाने पड़ेंगे। तो या फिर हाइड्रोजन गैस प्लेटिनम पे एड्सॉर्ब है, अब लेकिन तुम्हें हाइड्रोजन गैस भी तो चाहिए कभी ना कभी, जब चाहिए तो बाहर वापस निकालनी पड़ेगी। ये जो वापसी का प्रोसेस है इसका नाम रखा है बी ऑप्शन। तो रिमूवल ऑफ एड्सॉर्ब सब्सटेंसेस फ्रॉम एड्सॉर्बेंट इज नोन एज बी ऑप्शन। बी ऑप्शन कहते हैं एड्सॉर्ब सब्सटेंस का। एक वर्ड वैसे बन रखा है पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन और नेगेटिव, लेकिन इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, इस पर ज्यादा मत सोचना। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एड्सॉर्प्शन बेसिकली क्या है, आपने कुछ सोल्यूशन बना के रखा है, सपोज शुगर एंड वाटर का सोल्यूशन, और आप या आपने घर का खाना बनाया तो नमक ज्यादा पड़ गया, तो नमक का पानी के साथ सोल्यूशन, आप चाहते हो कि सोल्यूशन में से नमक गायब हो जाए, मतलब वो जो सब्जी दाल बनी है उसमें से नमक बाहर, तो एड्सॉर्प्शन इज दैट टेक्निक। अगर हमें मालूम है एक पर्टिकुलर ऐसी चीजें हैं कि जो कॉमन सॉल्ट को एड्सॉर्ब करती है, अगर वो उसमें पूरक कर दे कॉमन सॉल्ट वहां से हट जाएगा निकल जाएगा। तो अगर ये काम पॉजिटिवली हो रहा है तो पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। व्हाट आई मीन टू से, अगर एड्सॉर्बेंट ये रहा हमारा बेसिकली जो भी सब्सटेंस लिया है जिसको कहा गया है एड्सॉर्प्शन करने को, और इसको जब मैंने ऐड किया इस सॉल्यूशन में, ये एड्सॉर्बेंट था, ये सॉल्यूशन में भेजा गया, और सॉल्यूशन में जितने सॉल्यूट थे इसने उन सॉल्यूट को अच्छी तरीके से एड्सॉर्ब कर लिया, दैट इज पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। जब भी पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन होगा तो बाद में सॉल्यूशन डाइल्यूट दिखेगा, यानी उसके अंदर से सॉल्यूट निकल जाएगा। एंड व्हाट इज नेगेटिव एड्सॉर्प्शन, कि हमारा एड्सॉर्बेंट आया लेकिन एड्सॉर्बेंट पे सॉल्यूट बहुत कम है, ना के बराबर। और कहने का मतलब कि एड्सॉर्प्शन से पहले, मतलब एड्सॉर्बेंट डालने से पहले जैसा सॉल्यूशन था वही कंसंट्रेशन बाद में भी दिख रही है, सॉल्यूट वहां से हटा ही नहीं, तो ये एक तरीके से नेगेटिव एड्सॉर्प्शन है। या ये कहना चाहते हैं द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ऑन एड्सॉर्बेंट इज नेग्लिजिबल और वेरी लेस एज कंपेयर टू सॉल्यूशन, यानी अभी ये जो सॉल्यूट है ये सॉल्यूशन में अभी भी बहुत ज्यादा है और यहाँ सरफेस पे बहुत कम है। This type of adsorption is known as negative adsorption. So adsorption का basically sense क्या है? It is a surface phenomena. Surface पे होगा. Adsorbent क्या है? जिसके ऊपर adsorption होना है. Adsorbed क्या है? Obviously वो चीज जो जाके adsorb होती है वो adsorbed होती है. What is absorption? It is a bulk phenomena. जब मैं word adsorbent ही use कर ले रहा हूँ, जब adsorbent के अंदर और बाहर adsorbed की concentration same है. वर्ड नहीं बोलने चाहिए एड्सॉर्बेड एड्सॉर्बेंट, लेकिन समझ में आने के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं कि अंदर और बाहर कंसंट्रेशन एकदम सेम आएगी तो प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहने लगेंगे, और जब हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे या पहले एड्सॉर्प्शन होगा प्रोसीड टू एब्जॉर्प्शन होगा तो खाली एब्जॉर्प्शन कहेंगे। थिन सरफेस में अधिकतर एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। मेटल के लिए ये फिनोमेना ऑक्लूजन कहलाएगा और ऑक्लूडेड गैसेस कहलाएंगे। ऑन मेटल सरफेस एक स्पेशल नाम है, और एक हो गया डीजॉर्प्शन, जब एड्सॉर्प्शन हटेगा तो कहेंगे डीजॉर्प्शन। अगर आपको यहां तक एड्सॉर्प्शन वर्ड क्लियर हुआ है तो काइंडली टाइप वन फास्ट, ठीक है। पार्की समझना, एक और बच्चे ने किया, आदित्य, अंश, ध्रुव, जयंत, अभिषेक, निशिका, तनिष्का, सौम्या, अनमोल, ठीक है। आई होप सो एड्सॉर्प्शन वर्ड इतने बच्चों को क्लियर। अब बच्चों हमें क्या डिस्कस करना, अब हमें डिस्कस करना है कि कितने फैक्टर्स पे ये एड्सॉर्प्शन डिपेंड करता है, ठीक है। ये जो एड्सॉर्प्शन हो रहा है ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कैसे बढ़ा सकते हो बता सकते हो, और क्या इसका कोई और क्लासिफिकेशन का तरीका है एड्सॉर्प्शन का, मतलब क्या कोई फिजिकल बॉन्ड बन सकते हैं या कोई केमिकल हो सकता है। तो फिजिकल अट्रैक्शन को कहते हैं हम फिजिसॉर्प्शन और केमिकल अट्रैक्शन को कहते हैं केमिसॉर्प्शन। तो एड्सॉर्प्शन में अगला क्वेश्चन हमारा जो होगा वो एक है, व्हाट इज फिजीसॉर्प्शन एंड व्हाट इज केमिसॉर्प्शन। केमिसॉर्प्शन तो एक कॉमन सेंस लगा के इसका आंसर कर दीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ये एक मार्क्स में बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, फिजीसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन में डिफरेंस करो। फिजीसॉर्प्शन नाम बता रहा, फिजिकल एड्सॉर्प्शन, फिजिकल एड्सॉर्प्शन
बेसिकली ये बेस्ड है ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन एड्सॉर्बेड एंड एड्सॉर्बेंट. ये एड्सॉर्बेड है, ये एड्सॉर्बेंट है, इनके बीच का इंट्रैक्शन कैसा है, ठीक है, ये इस पर डिपेंड कर रहा है. तो फिजीज ऑप्शन में क्या होगा, बोलो बच्चों, एक सेकंड है, लाइट दीजिए तो थोड़ा सा हम वो कम कर दें, इंटरप्शन ना हो इससे, ठीक है बेटा. फिजीज ऑप्शन में क्या है, इट इज फिजिकल, ठीक है. फिजिकल कहने का क्या मतलब है, यहां कहने का मतलब है ड्यू टू वेंडर वॉल्स फोर्सेस, ठीक है. यहां वंडरवॉल फोर्सेस की वजह से, वंडरवॉल फोर्स समझते होंगे, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, इंस्टेंटेनियस डाइपोल और डाइपोल इंट्रैक्शन या और दो फोर्स से. तो फिलहाल अगर वंडरवॉल फोर्सेस की वजह से एडसॉर्प्शन होगा, क्योंकि 90% एडसॉर्प्शन वंडरवॉल फोर्सेस की वजह से ही होते हैं, दैट इज फिजिकल एडसॉर्प्शन या फिजिकल एडसॉर्प्शन. जबकि केमीज ऑप्शन अपने आप में बता रहा है, इट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड. यहां केमिकल बॉन्ड बन जाएगा. तो बच्चों जब एड्सॉर्प्शन केमिकल बॉन्ड की वजह से या बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से होगा, देन इट इज टर्म्ड एज केमीज़ॉर्प्शन. एक बॉन्ड बन जाए तो केमिकल बॉन्ड का मतलब समझते हो ना, कोवलेंट बॉन्ड, यूजुअली कोवलेंट ही बनेंगे, या आयनिक बॉन्ड बाई चांस कभी आयनाइज इतना ज्यादा हो. तो जब कोई कोवलेंट या आयनिक टाइप का बॉन्ड बनेगा तो जो एड्सॉर्प्शन होगा दैट विल टर्म्ड एज केमीज़ॉर्प्शन, ठीक है, ओके. बेसिकली फिजिकल और केमिकल तो चल ही रहा है बेटा, मैं बता ही रहा हूँ. एक बच्चे ने कहा डीज़ॉर्प्शन फिर से बता दो. तो बच्चों डीज़ॉर्प्शन का बेसिकली मतलब क्या है, कि कोई गैस आके एड्सॉर्ब होगी उसे बाहर निकालना, दैट इज डीज़ॉर्प्शन. हीट करने से हो सकता है या और कोई टेक्निक लगा के, मतलब कहीं और ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखा के यहाँ से चीज बाहर ले जाना, दैट इज डीज़ॉर्प्शन. मतलब सरल भाषा में अगर हम कहें, कहीं ऑयल गिरा था, मैंने कपड़े से साफ कर दिया और कपड़े पे ऑयल आ गया, अब मैं चाहता हूँ वापस उस कपड़े से ऑयल निकल जाए, एक सरल भाषा में डीज़ॉर्प्शन कहना चाहता हूँ. या हाइड्रोजन की गैस, प्लेटिनम की हमने वायर ली, उसमें हाइड्रोजन एड्सॉर्ब हो गई, अब बाद में जब यूज करना है तो यहाँ से हाइड्रोजन निकालनी है, तो जो प्रोसेस होगा वो डीज़ॉर्प्शन होगा. एक बच्चे ने इसके बाद और क्वेश्चन भेजा है मुझे, वंडरवॉल फोर्स का क्या मतलब है, ठीक है बेटा. पॉजिटिव और नेगेटिव में इतना अंश दिमाग मत लगाओ, कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी कुछ खास नहीं है, ठीक है. पॉजिटिव का मतलब होता है एड्सॉर्बेंट को डाला गया और उस एड्सॉर्बेंट, उसने जहां सॉल्यूट है उसे अच्छी तरीके से एड्सॉर्ब कर लिया, और सॉल्यूट सॉल्यूशन में कम है उसकी सरफेस पे ज्यादा है, तो पॉजिटिव. और जब आपने एड्सॉर्बेंट डाला लेकिन सॉल्यूट यानी एड्सॉर्बेंट उस एड्सॉर्बेंट पे नहीं आ रहा, तो उस केस को नेगेटिव एड्सॉर्प्शन कहते हैं. बाकी इससे कोई ज्यादा मतलब नहीं है. इसे सिंपल भाषा में ये समझो, आपका घर, आपके घर में एक दो गेस्ट आते रहते, मतलब कई गेस्ट आए होंगे, आपने एक बहुत नया अच्छा था बढ़िया सा सोफा सेट खरीदा, सोफा सेट आके रखा, और आपके घर में सोफा रखा हुआ है और गेस्ट उस पर बैठने जा रहे हैं, आपने उन्हें वहीं रोक दिया, ओए कहाँ जा रहे हैं, ना बैठे हैं नीचे बैठ. तो बेसिकली ये नेगेटिव बात है, समझ में आ रहा है, मतलब सैल्यूट को आपने जाने से या गेस्ट को आपने इसी काम करने से रोक दिया, दैट इज अच्छी बात नहीं, नेगेटिव बात. और अतिथि देवो भव, अगर आप अपने सोफे पे उस गेस्ट को बैठा रहे हैं, अच्छी बात है, दैट इज पॉजिटिव. तो पॉजिटिव नेगेटिव में इससे ज्यादा नहीं है. और एक बच्चा कह रहा है फिजिकल, ओके प्रथम ग्रोवर इज सेइंग आपकी वीडियो नहीं आ रही. बच्चों आप इसमें तो आपको बताना पड़ेगा इनके यहाँ नहीं आ रही कि सबके यहाँ नहीं आ रही, वीडियो आ रही नहीं आ रही है, आ रही है, ओके. प्रथम आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम है, चल मैं फिर से लीव करके ज्वाइन कर, खाली नहीं आ रही, ठीक है आदित्य प्रथम, बाकी हर जगह आ रही. अरे सौम्या गंगवार भी कह रही नहीं आ रही है, लेकिन ग्रुप बढ़ाना कह रहे हैं आ रही है, मतलब चार बच्चे कह रहे हैं आ रही है, फिर चार कहते हैं नहीं आ रही है. तो बेसिकली अरे सात्विक कह रहे हैं नहीं आ रही, अंशिका कह रही है नहीं आ रही है, लेकिन बाकी कह रहे हैं आ रही. ओके ओके, आयुष कुमार ने भी कह दिया है, आर्यन ने कह दिया आ रही. फिलहाल बेसिकली पॉइंट ये है कि अगर दो चार बच्चों को वीडियो मिल रही है, इसका मतलब यहाँ से सिग्नल सही से मूव कर गए हैं, और आप भी थोड़ा टाइम वेट करिए, आप तक पहुंच जाएगा. एक बार वॉक करके डिजिटल स्क्रीन के सामने में, ओके बच्चों
कटिंग ठीक है, एक मिनट सही करना, दोबारा करना पड़ेगा इसका, वीडियो नहीं आ रही बच्चों। वेट करो, नहीं नहीं भाई भाई चल रहा, मैं यहाँ जाती हुई दिख नहीं रही ना मुझे भी। सर ब्लैक स्क्रीन आ रही पूरी, ओके तो फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शन में हम डिफरेंस देख रहे हैं, ठीक है। देखिए फिजिकल एड्सॉर्प्शन का मतलब है इट इज ड्यू टू वैन डेर वाल्स फोर्सेस, और केमिकल एड्सॉर्प्शन का मतलब है ड्यू टू बॉन्ड फॉर्मेशन। बस इसी पॉइंट को खाली दिमाग में रखो, आई होप सो बाकी सारे पॉइंट आपको अपने आप समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए मैं बाकी पॉइंट खाली बोल रहा हूँ, आप अपने आप एनालाइज कर लेना कौन सा होगा। देखो बच्चों एड्सॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक्सोथर्मिक कहने का मतलब हीट इज एवॉल्व, हीट निकलती है एड्सॉर्प्शन में, ठीक। किसमें ज्यादा निकलेगी, फिजिकल में या केमिकल में, दोनों में ही एक्सोथर्मिक है, किसमें हीट ज्यादा निकलेगी। ऑब्वियस सी बात है जिसमें बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा उसमें हीट ज्यादा निकलेगी, जिसमें बॉन्ड वीक होगा उसमें हीट कम निकलेगी। तो यहां डेल्टा एच नेगेटिव है भैया, यहां भी डेल्टा एच नेगेटिव है, लेकिन अगर इसकी वैल्यू 20 से 30 किलो जूल पर मोल मानेंगे तो ये वैल्यू नियरली 200 किलो जूल पर मोल मान लो, दैट मींस ऑलमोस्ट 7-8-10 गुना भी ज्यादा हो सकती है। तो बेसिकली हमें बस ये कहना है कि केमिकल एड्सॉर्प्शन में हीट ज्यादा रिलीज होती है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन में हीट कम, ठीक है। दोनों एक्सोथर्मिक, लेकिन हीट केमिकल में ज्यादा रिलीज नहीं। सेकंड फैक्टर अगला देखते हैं, कोई एक एड्सॉर्प्शन ऐसा है जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी का ऑलमोस्ट नो रोल, बहुत कम रोल है, लीस्ट सिग्निफिकेंट, और एक में एक्टिवेशन एनर्जी हाई, तो किसमें एक्टिवेशन एनर्जी हाई है, वेरी इट इज अ कॉमन सेंस कि एक्टिवेशन एनर्जी का क्या मतलब है, एक लेवल तक ले जाएंगे तब रिएक्शन स्टार्ट होगी। बॉन्ड बनाने के लिए एक हाई एनर्जी की जरूरत होती है, इसीलिए केमिकल एड्सॉर्प्शन विल टेक प्लेस एट हाई एनर्जी वाइल या मोर एक्टिवेशन एनर्जी। तो केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए मोर एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत है, जबकि फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए लेस एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत है। तो यहां हम कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी इज क्वाइट लेस, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, एक्टिवेशन एनर्जी इज वेरी हाई, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी देते हैं तब ये बॉन्ड बन पाते हैं या केमिकल एड्सॉर्प्शन होता है और फिजिकल कुछ इजीली हो जाता है। यानी हम बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर मुझे इस कमरे से मॉइस्चर निकालना है तो आपने देखा होगा यूजुअली हम घरों में कहते भी हैं या सर्दियों में जब हीटर रखते हैं तो वाटर रख देते हैं या ऐसी चीजें, तो मॉइस्चर निकालने के लिए कुछ सब्सटेंस है जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ह्यूमिडिटी कम करने का काम करते हैं। तो वो चीजें जैसे वुडन आर्टिकल्स हैं, चारकोल्स हैं, ये मॉइस्चर एब्जॉर्बर होते हैं, बहुत अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं। तो बेटा पॉइंट क्या आया, अगर बॉन्ड बनना होता केमिकल बॉन्ड तो इतने आसानी से एब्जॉर्ब नहीं करते, वो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है, वहां एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम की जरूरत है, इसलिए फिजिकल ऑप्शन वहां हो रहा है, ठीक है। तो केमिकल एड्सॉर्प्शन हाई एक्टिवेशन एनर्जी में, फिजिकल एड्सॉर्प्शन लो एक्टिवेशन।
कोई एक एब्जॉर्प्शन ऐसा है विच मतलब इनमें से दोनों में से कौन सा एब्जॉर्प्शन ऐसा है विच इज लेस स्पेसिफिक, लेस स्पेसिफिक और एक मोर स्पेसिफिक। समझते हो स्पेसिफिक मतलब पर्टिकुलर, मतलब आपने चारकोल लिया, चारकोल में चार चीजें आपके एब्जॉर्ब हो सकती है, जे बी जे बी जे, और कोई एक है कि इससे यही एब्जॉर्ब होगा दूसरे पे नहीं होगा स्पेसिफिक। तो आई होप सो समझ में आ गया होगा, फिजिकल एब्जॉर्प्शन इज लेस स्पेसिफिक क्योंकि यहाँ खाली बॉन्ड बनने सॉरी फिजिकली अट्रैक्शन शो करना है, ना कि कोई वन टू वन बॉन्ड बनना, ऐसा नहीं। तो यहाँ बॉन्ड बनना है और बॉन्ड बनने के लिए स्पेसिफिटी ज्यादा है तो इट इज वेरी मच मोर स्पेसिफिक। यानी हाइड्रोजन अगर निकल या प्लेटिनम पे होता है तो उन्हीं पे होता है, ऐसा नहीं है। ये केमिकल एडसॉर्प्शन का एग्जांपल है हाइड्रोजन और निकल और प्लेटिनम, वो बात अलग है। पहले ये फिजिकल होता है, प्रोलॉन्ग होने पे केमिकल चेंज होता है। केमिकल एडसॉर्प्शन सारे फिजिकल के बाद केमिकल में ही चेंज होते हैं क्योंकि बॉन्ड इतने इजिली नहीं बनते। मैंने पहले ही बताया होगा बॉन्ड्स आर नॉट लाइक रजनीगंधा डबल जीरो, ऐसा नहीं कि एक पूरी फाड़ी डाली दूसरी पूरी फाड़ी डाली और ये एडसॉर्प्शन ये तैयार केमिकल, ऐसे कंपाउंड नहीं बनते। हाँ आयनिक कंपाउंड में तो बात अलग है, आयनिक कंपाउंड मोमेंटरी रिएक्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ कोई आयनिक है नहीं, ये कोवेलेंट की बात। तो ये लेस स्पेसिफिक है, ये मोर पी है। अगला है कोई एक है यूनिलेयर, मतलब एक ही लेयर आएगी, और एक है मल्टीलेयर। तो एक हम पूछ लेते हैं मल्टीलेयर कौन सा है, ठीक है मल्टीलेयर कौन सा एब्जॉर्प्शन होगा ये बताना है। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात, वेरी नाइस, सही है बेटा आयुष, आप गलत हैं। जो फिजीज ऑप्शन है उसमें कई लेयर आ सकते हैं। फिजीज ऑप्शन का क्या मतलब है, खाली अट्रैक्ट होना, तो बॉन्ड तो बनने नहीं है, और जब अट्रैक्शन होना है तो वो पोलराइजेशन से हो जाएगा, और पोलराइजेशन के लिए जरूरी नहीं है इन कॉन्टेक्ट इन टच में, तो दूर से भी पोलराइज करके अट्रैक्ट कर सकता है। तो ये मल्टीलेयर, तो दिस इज मल्टीलेयर एंड इट इज यूनिलेयर। फिजिकल एब्जॉर्प्शन मल्टीलेयर होता है और केमिकल एब्जॉर्प्शन यूनिलेयर, क्लियर है, ठीक है। क्योंकि बॉन्ड बनना है, ये वन टू वन ही बॉन्ड बनना है, एक बार बॉन्ड बन जाए तो दोबारा उस वैलेंसी से कोई केमिकल बॉन्ड तो नहीं बनेगा, तो बस एक ही बार वो वैलेंसी चल पाएगी, दैट इज यूनिलेयर। इसलिए केमिकल यूनिलेयर है, फिजिकल मल्टीलेयर। फिजिकल को वंडरवॉल एडसॉर्प्शन कहते हैं, इसे केमिकल एडसॉर्प्शन कहते हैं। फिजिकल एक्सोथर्मिक है लेकिन लेस हीट निकलती है, केमिकल भी एक्सोथर्मिक है ज्यादा हीट निकलती है। फिजिकल में एक्टिवेशन एनर्जी का वेरी लेस रोल है, इनसिग्निफिकेंट कह लीजिए, या एक्टिवेशन एनर्जी क्वाइट लेस। केमिकल में एक्टिवेशन एनर्जी हैज अ सिग्निफिकेंट वैल्यू, सिग्निफिकेंट अमाउंट, और फिजिकल एडसॉर्प्शन जो है वो लेस स्पेसिफिक है, केमिकल मोर स्पेसिफिक है। यानी एक ही चीज पे सारे एडसॉर्प्शन नहीं हो सकते, फिजिकल मल्टीलेयर है, केमिकल यूनिलेयर है। पहले पांच पॉइंट आई होप सो आपको कुछ ना कुछ क्लियर होने चाहिए। इसके अलावा और भी पॉइंट है बेटा, जैसे जो केमिकल एडसॉर्प्शन है उसका टेम्परेचर से इंपैक्ट देखें और फिजिकल का टेम्परेचर से इंपैक्ट। यानी जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो यहां पे टेम्परेचर बढ़ाने पे ये दिखा, यानी टेम्परेचर बढ़ाते ही ग्राफ नीचे की तरफ जाने लगा, दैट इज डिसऑप्शन होने लगा, टेम्परेचर बढ़ाते ही एब्जॉर्प्शन कम हो। फिर से समझो क्या कहना चाह रहे हैं, ये x अपॉन m का क्या मतलब है, ये इस चैप्टर में बार बार x अपॉन m यूज करेंगे, इसलिए एक बार क्लियर कर देते हैं। यहां पे m का मतलब है मास ऑफ एब्जॉर्बेंट, ठीक है, ये जो कोयला चारकोल कुछ भी लिया इसका मास है, और जो x है ये मास ऑफ एब्जॉर्बेड है कि ये ऊपर आके कितना एब्जॉर्ब हुआ है। तो m ग्राम में x ग्राम एब्जॉर्ब हुआ, m ग्राम चारकोल में x ग्राम गैस एब्जॉर्ब हुई, तो 1 ग्राम में कितनी हुई, तो उसे कहा है x बाई m। तो x बाई m का बेसिकली मतलब क्या होगा, इट इज मास ऑफ एब्जॉर्बेड ऑन यूनिट मास ऑफ एब्जॉर्बेंट, एक ग्राम एब्जॉर्बेंट पे कितना हुआ। तो फिलहाल टेम्परेचर बढ़ाएंगे एब्जॉर्प्शन कम होने लगेगा, यानी डिसऑप्शन होने लगेगा। तो फिजिकल में हाई टेम्परेचर पे डिसऑप्शन, लो टेम्परेचर करते हैं तो एब्जॉर्प्शन, जबकि केमिकल में जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे बेटा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे पहले ये बढ़ेगा फिर कम होगा, एक लिमिट के बाद कम होगा। तो वाई इट इज कि पहले टेम्परेचर बढ़ाने पे एब्जॉर्प्शन बढ़ क्यों गया फिर कम क्यों हुआ। आई होप सो इट इज वेरी मच क्लियर, आसान बात है कि भैया यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी के रोल था,
और जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो वो पार्टिकल जो अभी तक एक्टिवेट नहीं थे, जो अभी तक एब्जॉर्ब नहीं थे, वो भी एब्जॉर्ब होने लगे। तो इसीलिए यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने में पहले एब्जॉर्प्शन बढ़ा और फिर एब्जॉर्प्शन कम हो गया। इज इट क्लियर भाई? एक लिमिट तक जब सब एब्जॉर्ब हो गए यूनिलियरली बनना, अब आपने टेम्परेचर और बढ़ाना शुरू कर दिया और बढ़ा, अब डिसॉर्प्शन हो जाएगा। तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने पर इनिशियली एब्जॉर्प्शन बढ़ता हुआ दिखता है एंड फाइनली उसके बाद एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल कह सकते हैं, इन जनरल जितने भी हमारे एग्जाम्पल हैं लाइक इनर्ट गैसेस ऑन कोकोनट चारकोल, कुछ याद भी करने होंगे अभी हमें, ठीक है? इनर्ट गैस का याद रखना है, ये कोकोनट चारकोल पे ही जाके एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है? या और कुछ, ये सारे फिजिकल एब्जॉर्प्शन के एग्जाम्पल है। और केमिकल में ऐसे वाले एग्जाम्पल है हाइड्रोजन एंड निकल, समथिंग लाइक दिस, ये केमिकल के एग्जाम्पल है। बेसिकली ये फिजिकल और केमिकल का डिफरेंस है। बताओ बच्चों, फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शन आपको क्लियर है? वेरी गुड, जिनको क्लियर है उन्होंने वन टाइप कर दिया है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन क्लियर है, वेरी गुड, ठीक है? एक सेकेंड है, मैं ये देख रहा हूं कोई भी पॉइंट हमारा रहा तो नहीं है, तो एक मिनट। एक बार मैं जरा इसको एनसीईआरटी को थोड़ा सा देख लेता हूँ बेटा, क्योंकि जल्दबाजी कोई भी पॉइंट रहना नहीं चाहिए। ये देखिए बेटा, सरफेस केमिस्ट्री के बारे में इन्होंने बताया है, सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल आर प्रोड्यूस्ड इंडस्ट्रियली बाय मींस ऑफ रिएक्शन दैट अकर ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। मतलब ऊपर ऊपर की बातें हैं, ज्यादा डीप में जाना नहीं है, ठीक है बेटा? अभी एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन को देखता हूँ बेटा, ठीक है? एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, तो ये सरफेस फिनोमेना के बारे में इन्होंने कहा है, ठीक है? ये रहा एडसॉर्प्शन, द एक्युमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीशीज एट द सरफेस रादर देन बल्क, इट इज टर्म्ड एज एडसॉर्प्शन। तो ये सरफेस पे आना है, बल्क पे नहीं आना है, दैट इज एडसॉर्प्शन। और इन्होंने शुरू में ही एडसॉर्प्शन के अच्छे खासे एग्जाम्पल दिए, तो मैंने आपको बताया था कि गैसेज एड्सॉर्ब हो जाती है क्लोज वेसल में, चारकोल पाउडर डाल दें उनमें, ठीक है? तो जब हम हाई लेवल ऑफ वैक्यूम बनाना चाहते हैं, कोई गैस ना हो, तो इसका यूज कर लेते हैं। ऑर्गेनिक डाइज है, मिथाइलिन ब्लू, ये सारे कलर्ड सब्सटेंस हैं जो कलरलेस में चेंज किए जा सकते हैं एडसॉर्बेंट डाल के, चारकोल डाल के, ठीक है? रॉ शुगर जो मैंने आपको बताया था, इसे जब एनिमल चारकोल पे पास करते हैं तो कलरलेस हो जाता है, तो एनिमल चारकोल से ये है, ठीक है? एयर बिकम्स ड्राई, आपको बताया था, मॉइस्चर हटाया जाता है, सिलिका जेल, तो ये हो गए इसके एग्जांपल। फिर एक वर्ड इन्होंने यहाँ दे रखा है डिसॉर्प्शन, तो ये डिसॉर्प्शन मैंने आपको बता दिया। डिस्टिंग्विशन बिटवीन एडसॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन क्या है वो भी हो गया, कि एडसॉर्प्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है। एक लाइन इन्होंने लिखी है, बोथ एडसॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन कैन टेक साइमल्टेनियसली एंड द टर्म एब्जॉर्प्शन इज यूज्ड। अगर दोनों ही चलेंगे तो हम जो टर्म यूज करेंगे दैट विल बी टर्म्ड एज एब्जॉर्प्शन, तो हम उसको कह देंगे एब्जॉर्प्शन, ठीक है? अगर दोनों ही साथ साथ चलेंगे तो हम उसके लिए टर्म एब्जॉर्प्शन यूज कर लेते हैं। मैकेनिज्म दे रखा है एब्जॉर्प्शन का, ठीक है? यानी वही हीट इवॉल्व होती है, मैकेनिज्म को अभी हम बता रहे हैं आपको। टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन में बेटा दो तरह का है, फिजिकल एंड केमिकल, ठीक है? और फिजिकल और केमिकल में जो अभी हमने बताया है उसको हम इनके टेबल से देख लेते हैं, अलग अलग ना देखे। तो एनसीईआरटी की ये टेबल है, देखो फिजिस ऑप्शन वंडरवॉल फोर्सेस की वजह से, केमिस ऑप्शन बॉन्ड फॉर्मेशन की, फिजिस ऑप्शन नॉट स्पेसिफिक है, केमिस ऑप्शन हाईली स्पेसिफिक। एक वर्ड रह गया, कौन सा रह गया? ये वाला वर्ड हमसे रह गया, ये वाला। फिजिस ऑप्शन रिवर्सिबल इन नेचर है, फिजिस ऑप्शन रिवर्सिबल इन नेचर है, केमिस ऑप्शन इररिवर्सिबल है। मतलब अगर एक बार एक बॉन्ड बन गया तो वो इजिली नहीं टूटेगा, केमिस ऑप्शन में, फिजिस ऑप्शन में टूट जाएगा। फिजिस ऑप्शन में है, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, मोर इजीली लिक्विफाइबल गैस एब्जॉर्ब इजीली। ये अभी पॉइंट रह गया, लेकिन ये अभी मेरे को कवर करना ही है, आप चिंता ना करें। इट आल्सो डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस व्हिच कैन रिएक्ट विद एब्जॉर्बेंट, ठीक है? शोस केमिस ऑप्शन। तो ये बेसिकली स्पेसिफिक नेचर की बात कर रहे हैं। फिलहाल अगला देखें कि यहां है एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन इज लो, एक आध बच्चे ने भी पूछा भी था एंथैल्पी, एंथैल्पी इज लो, हीट निकलती है, थोड़ी सी हीट निकलती है। Enthalpy of adsorption is high,
और वहां 20 है, यहाँ 80, 4 गुना 40 है, 240, 6 गुना 4, मतलब वही 6 8 गुना हो सकता है। तो एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन इज हाई, वहां एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन इज लो, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल वाला पॉइंट रह गया था। और ये ठीक है, यहाँ पे कहा लो टेम्परेचर इज फेवर फॉर एडसॉर्प्शन, इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज्ड टेम्परेचर, जो मैंने ग्राफ बना के दिखाया। हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल, इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज्ड टेम्परेचर, क्योंकि केमिकल बॉन्ड टूटते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी होती है, तो हाई टेम्परेचर इज फेवर। नो एप्रिशिएबल एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड, हाई एक्टिवेशन एनर्जी सम टाइम नीडेड। इट डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया, विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया इट इंक्रीजेस, ऑब्वियसली इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया, क्योंकि एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा एडसॉर्प्शन हो जाएगा। इट इज मल्टी लेयर एडसॉर्प्शन अंडर हाई प्रेशर, इट रिजल्ट इनटू यूनिलेयर, मतलब सारे पॉइंट हमने कवर कर लिए हैं। और अब हमारी इसमें एक हेडिंग बचती खाली, एडसॉर्प्शन आइसोथर्म और एक मैकेनिज्म जो पीछे कहा है वो, ठीक है, और ये फेस, बस ये दो हेडिंग है। पर ये सारे एग्जाम्पल है, ये जो आप देख रहे हैं सारे एग्जाम्पल है, और ये अधिकतर मैं भूल चुका हूँ, क्रोमेटोग्राफी भूल चुका हूँ, एडसॉर्प्शन फ्रॉक फ्लोटेशन ये अभी आने हैं आपके यहाँ, सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस जो अभी मैंने कहा, कोकोनट चारकोल के अलग अलग टेम्परेचर पे होते हैं, ठीक है। तो ये एडसॉर्प्शन के एग्जाम्पल है, कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी, गैस मास, ये अभी मैंने आपको बताया था, ट्रंक टाइप के मास होते हैं, ठीक है, कलरिंग मैटर को हटाना, तो ये एडसॉर्प्शन के एग्जाम्पल है। इट विल फिनिश एडसॉर्प्शन। फिलहाल अब जो दो तीन पॉइंट इसके बचे हैं उस पे आते हैं बच्चों। पहला पॉइंट जो हमसे छूट गया था वो ये था कि एडसॉर्प्शन इज सॉरी ये फिजिकल चल रहा था ना, तो रिवर्सिबल, फिजिकल रिवर्सिबल है, एडसॉर्प्शन हुआ डिसॉर्प्शन हुआ ये चलता रहेगा, केमिकल इररिवर्सिबल है, ठीक है, कि एक बार हो गया तो दोबारा नहीं, दोबारा हटेगा, ठीक है, मुश्किल से हटेगा, तो ये इररिवर्सिबल प्रोसेस है। इसके अलावा एक पॉइंट जो इन्होंने कहा है वो ये कि फिजिकल एडसॉर्प्शन जो होता है वो लो टेम्परेचर से फेवर्ड होता है और केमिकल एडसॉर्प्शन हाई टेम्परेचर, जो हमने ग्राफ से कह दिया था कि हाई के बाद लो भी हो जाता है, या तो बेसिकली वो पॉइंट सेम है, लेकिन एनसीईआरटी सिंपली ये कह रही है कि लो टेम्परेचर पे ये फेवर है और हाई टेम्परेचर पे ये फेवर है, क्योंकि जो एनसीईआरटी पॉइंट कह रही है उसको तो हमें एज इट इज ध्यान रखना है। लो टेम्परेचर एडसॉर्प्शन इज फेवर्ड बाय फिजिकल एडसॉर्प्शन इज फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर, बाय केमिकल इज फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर। सरफेस एरिया दोनों में सेम है, एरिया ज्यादा होगा एडसॉर्प्शन ज्यादा होगा। एक पॉइंट और कहा है जो भी उसमें भी क्लियर करेंगे, नेचर, ठीक है, नेचर ऑफ एडसॉर्बिव, तो अगर इजली लिक्विफाइएबल गैसेस हैं, यानी जो ज्यादा कूलर हैं, जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा, ऐसी गैसेस, क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसपे नीचे गैस, जिस टेम्परेचर के बिलो गैस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं, बट उसके ऊपर गैस को हम लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो दैट इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा हो मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो, गैस के पार्टिकल में बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो फिजिकल एडसॉर्प्शन उन सब्सटेंस में ज्यादा होता है जो कूलर है, जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, यानी ये नेचर पे डिपेंड करता है। केमिकल में यहाँ पे बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात की गई है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ कहा गया है, केमिकल में ये भी नेचर पे डिपेंड करता है, बट दो चीजें जो केमिकल बॉन्ड बना लेती हैं, तो दो चीजें इजीली बॉन्ड नहीं बनाती, जो दो इजीली बॉन्ड बना लेती हैं उनका केमिकल एडसॉर्प्शन ज्यादा होता है, और जो बॉन्ड नहीं बनाती है उनमें केमिकल एडसॉर्प्शन कम होता है। अब एक बच्चे ने यहाँ पूछा है, सर डीज ऑप्शन इज पॉसिबल इन केमिस्ट ऑप्शन, हाँ बेटा डिसॉर्प्शन पॉसिबल है, बट इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल कहने का बेसिकली मतलब क्या होता है कि ये सब्सटेंस रखता है रूम टेम्परेचर में, एडसॉर्प्शन हो रहा है, बहुत स्लाइट चेंज करने पे डिसॉर्प्शन भी हो रहा है, और दोनों चीजें चल रही हैं, थोड़ी देर में इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम आया तो एडसॉर्ब भी है डिसॉर्ब चीजें भी है, तो ये बेसिकली कहने का मतलब होता है रिवर्सिबल, और इसका मतलब इरिवर्सिबल का ये नहीं है कि एक बार ही एडसॉर्प्शन हो गया तो हटेगा ही। हाइड्रोजन और निकल इसका एग्जांपल यहाँ पड़ा है, तो हाइड्रोजन ने निकल के साथ बॉन्ड बना लिए या प्लेटिनम के साथ, तो केमिकल एडसॉर्प्शन हो गया, तो क्या मतलब हाइड्रोजन अब यहाँ से हटेगी नहीं जिंदगी में, हटेगी लेकिन उतना इजी, या दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियस नहीं चलेंगे, एडसॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन साइमल्टेनियस नहीं होंगे, मतलब अगर डिसॉर्प्शन कराना तो इतना हाई
टेम्परेचर एनर्जी देनी पड़ेगी, तो डीज ऑप्शन होगा। तो केमिस ऑप्शन रिवर्सिबल तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ डीज ऑप्शन उसमें भी होता है। गेटिंग द पॉइंट। एक बच्चे ने और पूछा है व्हाट इज द टर्म एक्स अपॉन एम। बेटा एक्स अपॉन एम का बेसिकली मतलब था मास ऑफ एडसॉर्बेट विच इज एडसॉर्ब ऑन पर यूनिट मास ऑफ एडसॉर्बेंट। मतलब सिंपल भाषा में एक ग्राम चारकोल पे कितने ग्राम आके एडसॉर्ब हुआ है, दैट इज मास ऑफ एडसॉर्बेंट पर यूनिट मास ऑफ एडसॉर्बेंट। यहां तक क्लियर है? जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो तो उसका तो लिक्विड का वाला टेंपरेचर और कम होगा ना, वो अभी हम क्लियर कर रहे हैं। तो आसानी से एडसॉर्ब होता है, जल्दी जाके अट्रैक्ट होगा, जल्दी जाके। और कोई डाउट? ठीक है बेटा, एमसीक्यू मैंने भेज दिए हैं पिछले चैप्टर के, ध्रुव आप चेक करो, नहीं है तो मैं आपको ग्रुप में दोबारा भेज दूंगा। वैसे मुझे दो बच्चों ने कल कह दिया था एमसीक्यू ग्रुप में है। आप चैप्टर 4 काइनेटिक्स की बात कर रहे हैं ना? अच्छा, इस चैप्टर को तो आज ही शुरू किया है, भेज दूंगा इस चैप्टर के लिए। ठीक है, हैव ए नाइस टाइम, बाय। थैंक यू सर।